Uh, next question question says in a hydrogen atom, the electron makes a transition from n one 1th uh, level to n uh, nth level, if n is much much greater than 1. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू हमारे ऑप्शन है वन बाई एन टू एन द पावर फोर या वन बाय एन टू द पावर थ्री या एंड टू दावर टू वन बाय एन नाव इसका स्टैंडर्ड आंसर है ऑप्शन नंबर टू इसको हम क्लास में डिराइव करते हैं बट मैं आपके लिए एक बार फिर डिराइव करके यहाँ दिखा देता हूँ सो so, हम जो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आइटम की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं ई एन जो होता है उसको हम लिखते हैं माइनस ई एन सॉरी ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ये किसी भी एन एथ ऑर्बिट में आपकी हाइड्रोजन uh, आइटम में एनर्जी को हम ऐसे डिनोट करते हैं सो so, यहाँ पे अगर हम डेल्टा ई e की बात करेंगे और हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं एन प्लस वन से एन तो इस केस में जो आपकी एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो आएगा ई एन प्लस वन माइनस ई एन तो यहाँ पे जो एनर्जी थी उसमें से आप आ, जिस लेवल पर गए उसकी एनर्जी माइनस कर देंगे सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर ठीक है सो so, अच्छा इसमें यहाँ पे माइनस आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो ई नॉट अगर आपने इसमें से कॉमन लिया सो so ये बचेगा वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाय एन प्लस वन का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट डिनिनेटर में आएगा एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन का स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे ये आएगा एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू एन एन स्क्वायर उसमें से माइनस हो जाएगा ये बचेगा टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ये बचा आपका एन स्क्वायर और एन प्लस वन का स्क्वायर हाँ ना इस चीज़ को जब हम यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें बिकॉज इस केस में आपका एन इज मच मच ग्रेटर देन उसकी बात हो रही है कि वो आपका एन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है वन से तो उसको अगर हम अप्रोक्सीमेशन वाली टर्म लेना चाहेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो डेल्टा ई e आएगा ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को दोनों को हम एन से डिवाइड कर देते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ये बचा टू प्लस वन बाय एन आ, इसको हमने एन से डिवाइड किया है नीचे वाले को भी जब आप एन से डिवाइड करेंगे सो तो ये बचेगा आपका Uh, एक काम करते हैं इसमें से एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सो so, इसको जब एन स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका एन क्यूब वन प्लस वन बाय एन का स्क्वायर ये टर्म आ गई ठीक है सो so, अब यहां पे क्योंकि हम कह रहे हैं एन इज मच मच ग्रेटर देन वन सो हम वन बाय सो यहाँ पे दैट मीन्स एम्प्लाइज वन बाय एन जो है वो बहुत छोटा होएगा उसकी तो वैल्यू बहुत कम होगी उसको हम इग्नोर कर सकते हैं सो so, आपका डेल्टा ई हो गया ये आ गया ई नॉट ऊपर बचा आपका टू नीचे बचा आपका एन क्यूब ये वाली टर्म आपकी ऑलमोस्ट यू कैन इग्नोर सो विच मीन्स आपका डेल्टा ई जो है दैट इज़ प्रपोर्शनल टू वन बाय एन क्यूब प्रपोर्शनल टू वन बाय एन क्यूब सो हैंस आपका ऑप्शन नंबर टू वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम